स्वागत क्लास। आज हम पढ़ेंगे बेसिस टैक्स का लेक्चर नंबर 2। कल हमने लेक्चर नंबर 1 में मार्जिन और ग्रुप डेटा के क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 33, 34 और 35। तीनों वाले ग्रुप डेटा के क्वेश्चन थे। 35 के दो उसके पार्ट थे, फर्स्ट मैंने करवा लिया था, सेकंड आपको खुद करना था उसका, जिसमें मेन मीडियन और मार्ट फाइंड करना था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हम करेंगे इसका। बुक पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 पेज नंबर 99 पे उन्होंने लिखा, प्रूव दैट मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये इंपेरिकल रिलेशन है इनका, ये डेफिनेशन भी आपने पढ़ी थी कि मॉड का इंपेरिकल रिलेशन क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आर द फॉलोइंग डाटा, नीचे उसने डाटा दिए, क्लास ग्रुप डाटा दिया उसने 10 to 20, 20 to 30 और नीचे फ्रीक्वेंसीज की। ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन फाइंड करना है। और नीचे उसने दिए कंप्यूट द एएम बाय शॉर्टकट एंड कोडिंग मेथड, और हमने इस अरिथमेटिक मीन भी फाइंड करना है शॉर्टकट मेथड से और कोडिंग मेथड से। ठीक है, सेम वही डाटा जो ऊपर दिए, तो हम इसका एक ही टेबल बना लेते हैं, उसमें दोनों पार्ट हमारे फाइंड हो जाएंगे, ए और बी दोनों। सबसे पहले मैं इसका डाटा लिखता हूँ, उसे टेबल बना लेते हैं पहले हम इसका। यहां पर इसके ग्रुप्स आ जाएंगे, ग्रुप्स है इसके 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। अगर उसमें फ्रीक्वेंसी दी है इसकी 10, 19, 16। इसमें हमने प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, मीन मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन
60 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 55 आ जाएगा और लास्ट वाला आ जाएगा 65। ठीक है, हमने x कैलकुलेट कर लिया, इन सबको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे और x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें fx चाहिए, तो fx कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम f और x को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, 19 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 475। उसके बाद हम 31 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1085 आ जाएगा इसका आंसर। 32 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 1440, 25 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1375 और 16 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 1040। अब हम इसका टोटल करेंगे तो समेशन एफ एक्स आ जाएगा और एफ का टोटल करेंगे तो समेशन एफ आ जाएगा। पहले हम एफ का टोटल कर देते हैं 9, 10, 19, 31, 32, 25 और 16, इन सब को प्लस किया आंसर आ गया 123। अब हम इनको प्लस कर लेते हैं 150 प्लस 475 प्लस 1085 प्लस 1440 प्लस 1375 प्लस 1040 इक्वल किया तो इसका आंसर आ गया 55,565। ये इसका टोटल आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को हम फार्मूला पुट कर देते हैं, समेशन एफ एक्स आ गया 55,565 डिवाइड 133। इसको हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइडर के आंसर आ गया 41.84। ये हमारे पास मीन का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें मीडियन चाहिए इसके लिए, तो हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं पहले, उसके बाद हम मॉड कैलकुलेट करेंगे इसका। तो मीडियन के लिए यहां पे हमें एक कॉलम की जरूरत पड़ेगी सी एच, कोवलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ कैसे आएगा, एफ का टोटल करते जाएंगे, सबसे पहले 10 ऐसे ही देंगे 10 को, 10 में 19 प्लस किया तो आगे 29, 29 में 31 को प्लस किया तो 60 आ जाएगा, 60 में हम 32 को प्लस करेंगे तो 92, 92 में हम 25 को प्लस कर देते तो 170, इसमें हम 16 प्लस करते हैं आ जाएगा 133। ये सी एफ का नाम आ गया। अब हम मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे इसका, मीडियन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए n ओवर 2, या हम कर लेते हैं मीडियन, मीडियन की हम पहले क्लास एड करेंगे n ओवर 2, n उसने दिए हैं एन हम लिखेंगे टोटल 133। इसको 2 पर डिवाइड कर देंगे तो आ गया 66.5। अब इसको हमें देखना सी एफ के कॉलम में कि 66.5 का हम जाते हैं 66 से बड़ा तो ये आ जाएगा 92 के अंदर, तो मीडियम की ये वाली लाइन सेलेक्ट होगी, ये पूरी लाइन हम मीडियम के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस लाइन में देखो 40 जो है वो लोअर लिमिट है, फ्रीक्वेंसी 32 और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हम लिखेंगे एज, 10 का डिफरेंस आ रहा है और पिछली इसकी पिछली वैल्यू लिखनी थी हमने 60। यहाँ पर मैं मीडियम का फार्मूला लिख देता हूँ, एल प्लस एज ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी, ये मीडियम का ब्लू का फार्मूला है।
इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, एल क्या होगा उस फॉर्मूले में 40 प्लस एज क्या होगा इन में डिफरेंस, इनको माइनस कर क्या देता है 10, फ्रीक्वेंसी क्या है इस लाइन की 32, एन ओवर 12 वही देख जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 2 1 3 2 2 और सी क्या होगा इससे इस जो राइट साइड की उससे पिछला आंसर सी आपका 60। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 40 प्लस 10 डिवाइड 32, इन दोनों को डिवाइड किया तो यही आंसर आ जाएगा 66.5, इसमें से माइनस कर देंगे हम 60, माइनस किया तो आ गया 6.5। नेक्स्ट हमें उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 30 पे डिवाइड कर देंगे, 6.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 65 और 30 पे डिवाइड कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 2.031। अभी दोनों को प्लस करेंगे और आ जाएगा 42.031। ये आ गया मीडियम का आंसर हमारे पास, ठीक है। हमने मीन भी कैलकुलेट कर लिया और मीडियम भी कैलकुलेट कर लिया। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। उससे पहले मैं इन दोनों को रेस करता हूं नीचे से, हमने मार्ट का ये फॉर्मूला मार्ट इज इक्वल टू 3 मीडियम माइनस 2 मीन 3 लिखेंगे, मीडियम का आंसर ये है हमारे पास 42.031 माइनस 2 और मीन का आंसर 41.84। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 42.031 से तो उसका आंसर आ गया 126.093 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 41.84 से तो आ जाएगा 83.68। आपस में माइनस कर लेते हैं, 126.093 माइनस 83.68 आंसर आ गया 42.41। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, 42.41। और मार्क को वैसे भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं आंसर इसके इक्वल आ रहा है नहीं, ठीक है। आप लोग क्या करना है, खुद इसका मार्ट को खुद भी कैलकुलेट करना है, मार्ट इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड एफ एम माइनस एफ वन इंटू प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एज। इसमें आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है मार्ट में, ठीक है। मार्ट का ग्रुप कौन सा होगा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 32, ये ही ग्रुप हो जाएगा, एल इसमें 40 होगा, ये एफ एम 32, F1 31 होगा और F2 हम लिखेंगे 25, ठीक है। इस तरह ये सारे वैल्यूज मुझे नहीं पड़े, और एज क्या होगा ये डिफरेंस 10 का, तो इसमें आप लोगों ने वैल्यूज को पुट करनी है और इसका आंसर इस आंसर से मैच करना चाहिए। पॉइंट का डिफरेंस हो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 42 जरूर आना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों को सॉल्व करना है, तो इस तरह हम इसको जो प्रूव करते हैं एम्पिरिकल रिलेशन में, मार्ट इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन।
ये इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है पॉइंट 36 क्वेश्चन का। अब इसका सेकंड पार्ट उसने दिया है, उसने उसमें लिखा हुआ मॉड कंप्यूट द एम बाय शॉर्टकट मेथड एंड कोडिंग मेथड। तो आज के लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। इसी टेबल को हम नेक्स्ट कंटिन्यू रखेंगे लेक्चर नंबर 3 में, उसमें हम कैलकुलेट करेंगे मीन को कोडिंग मेथड से और शॉर्टकट मेथड से। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर होता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।